अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो, एक नई गाड़ी, और गाड़ी है फिजान मेरा भाई, आपको पता उसने निशान दे ली है। तो आज आ रहा था तो मुझे बता रहा था, मैं चल मैं देखता हूँ, मैं क्या आज मिठाई खिलाने नहीं आ रहा, नाश्ता करने आ रहा है हमारे पास, कहता है गाड़ी दिखाऊँगा और नाश्ता करूँगा। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, फिर भी आ जाए भाई, ये तुम्हारा, हम तो ये थोड़ी कहेंगे यार मिठाई नहीं खिलाएगा तो तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। तो आ रहा है, दिखाता हूँ भाई, मेरा पहुँचने वाला है। मैं निकला था तो मुझे मैसेज मिला था कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं कहा जाए यार मेरा भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? कोई इतना पसीने में भी जाओगे, नहा के आया है, गर्मी इतनी है, बहुत स्टार्ट किया ये भाई की गाड़ी आ गई है आज, ये नाश्ता दिखा, गाड़ी दिखा के नाश्ता करेगा हमसे आज हम नूर भाई को लूटेंगे। हाँ ये भाई की गाड़ी आ गई है, माशाल्लाह क्या बात है, इतनी गाड़ियाँ लगी हैं यार। भाई अभी लगाई आपके इंतजार में, हमने कहा तूने आना है कि नहीं आना, 10 बजे आना था लेकिन उठा ही मैं 10:30 बजे। माशाल्लाह, अच्छा ये लिप है भाई, सुनेंगे जरा काम से हम क्या करवाने वाले। हाँ जी भाई जी बताएं, ये लिप देख रहे हैं? देख लिया, सेम टू सेम इस तरह का पेंट करवाना है, ऐसे ही होगा। और सिलेंसर फट गया भाई इसका, कोई बात नहीं, एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट इसका लग गया बहुत बुरे वाला, तो वो क्रैक हुआ हुआ, क्रैक बस निकलवाना है इसका। और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा, ये साफ कर लेंगे इसका ना, सेम इस तरह का कलर है, बस इसको हटवा देंगे, इसको कर लेते हैं भाई, 2 मिनट दे दे भाई, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, तो गाड़ी लेके आओ। ये देखें जी, ये हम मेरा खोता खड़ा है, ये हमार साहब हमारे हैं जी। भाई क्या सोचा नूर भाई, फिर आपने सोचा कि वो तो खोलने की सोच रहे हैं, ये टूट गया, शनिवी लेके आ भाई। हाँ मेरे 2 लेके आई, शनिवी पिला रहे हैं। और ये दूसरा, ये देख मेरे भाई के काम, ये बम्पर पूरा, ये देखिए इसको भी स्कर की तरह स्पोर्ट चाहिए ना, जिस तरह आपने हाँ, स्कर के अंदर स्पोर्ट लगाया, पूरा बम्पर हिल रहा है, क्या करके लाया है पता नहीं। बाकी ये है पाकिस्तान के जंप्स, जंप्स की वजह से सारा सीन हो गया, मैं बड़ी कोशिश करूं, अब देखो कोई जंप आते ना मैं टेढ़ा करके घुमाता हूं, लेकिन अगर साइड पे बैरियर्स पड़े फिर मैं क्या कर सकता, बैरियर में तो नहीं मार सकता, वो सीधा गुजारना पड़ता है, फिर उन्हीं वजह से ये ढीला हुआ होगा, और कोई वजह नहीं है, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छी बात है, ख्याल रखना चाहिए आपको भाई, कोई गाड़ी असल में अंदर से देखते हैं, मैं तो अभी तक देखी भी नहीं है गाड़ी की भाई की है कैसी, माशाल्लाह ये देखें जी मेरे भाई की गाड़ी, माशाल्लाह अंदर से तो खूबसूरत, नहीं चाबी नहीं चाहिए, स्टार्ट बाद में देखेंगे, ये इसकी पर्सनल चीज़ें पड़ी हैं, पर्सनल चीज़ें बाकी ये है कि साफ सुथरी रखी भाई मेरे ने, मैं हमेरा हमेशा कहता था मैं भाई इसको गाड़ी साफ रखा करो, और ये वाकई इसने साफ रखी है, साफ है ना, चलो शुक्र, इसको कहने की जरूरत नहीं है, आज पहली दफा आपके मुंह से सुन लिया कि काकू तूने गाड़ी साफ रखी है, नहीं बेशक इसमें क्या मचा के रखी है, कार्बन फाइबर का कुछ लगाया हुआ है, ये स्टिकर करवाया हुआ है, ऑटोमेटिक है, अभी छत का इशू है, इसका छत की जो रेलिंग है वो चेक करेंगे कि भाई मेरे ने, भाई मैं अपना नाश्ता करने लगा हूं, आप करेंगे? नहीं भाई शुक्रिया, मैं बराबर, मतलब मजे का है, बहुत मजे का है, नहीं मेरे से मजे का नहीं है। और ये रहे हम भाई की गाड़ी आई है छोटे छोटे कामों के लिए, आज देखते हैं इसका काम, भाई मेरा वैसे ही परेशान रहता है, मैंने उसको हमेशा कहता था, मैं कह टेंशन ना लिया कर, जब तक आपका भाई है ना तब तक टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई ने, अब बोनट खोल के सिर्फ दिखाता हूँ आपको गाड़ी, ए आ जाए ये देखे, मेरे जेन में था शायद भाई ने अंदर से इसके फिल्टर शिल्टर लगाए होंगे, तो ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल ये रखा है इसने, ओरिजिनल फिल्टर लगा हुआ है, ये टिश्यू साफ करने के लिए ना, कोई इसको नज़ला वगैरह ना हो उसकी वजह से हो सकता है, अगर हम अपनी गाड़ी के नीचे पानी रख सकते हैं ना तो टू टिश्यू रख सकता है, तो ये है, बाकी है थोड़ा इंजन गंदा है, सफाई वगैरह करेंगे, करवा के फिर दिखाएंगे भाई को, देखो साफ सुथरा से काम होता है, दूसरा एक काम और इसका शावर नहीं चलता, मतलब शावर चलता है लेकिन पानी नहीं निकलता बीच में से, वो भी चलेगा, ओ सोच ले, सोचता है बस काम सोचने, सारे इनवार हो, सारे हाँ, सारे ठीक होने चाहिए, बाद में अपने हमारा शुक्रिया अदा करना है, जो भी अभी ब्लॉग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, मुझे पता है आप बहुत सारे लोग आ चुके हो, सब्सक्राइब कर देना इनका भाई जान, आपके लिए बैठने के लिए नहीं, हमने लेटने की चारपाई रखी हुई है, साथ पंखा लगा के भाई को, मैं कहा हमारे पास एसी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, मैं भी गरीब बंदा हूं, तो इसलिए देखें चारपाई पे तकिया भी मंगवा के देते हैं भाई को, ऐसे फुल वो डेरे वाला माहौल बना के देंगे तुझे, वो नसीब है भाई, जो खिदमत है वो नसीब है, जो आपने खाना पीना वो आपका अपना नसीब है भाई, भाई ने जी
एयर सस्पेंशन लगवाई है, एयर फोर्स की लगवाई है। उसकी कह रहा अभी तारे चारे ऊपर हुई हैं क्योंकि ना सामान नीचे पीछे रखा था सारा। ये पंप तो सिंपल आ रहा है, ये पंप जो है ना सेम हर गाड़ी में यही दे रहे हैं इसको। ये कितने की है एयर सस्पेंशन वाला? ताइवान से इंपोर्ट हुई हुई है। गेस करो कितने की होगी? 7 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए आस पास हो आप? 11 लाख रुपए की एयर सस्पेंशन पाकिस्तानी। 11 लाख रुपए 11 लाख रुपए की एयर सस्पेंशन। जिस दिन इसको जीगो सेल करना हुआ ना एयर सस्पेंशन उतार लेनी है। हाँ उतार सकते हैं। लगेगी ना ये? लगेगी। क्या चेस्क रहेगी उसकर की? एक बंदे के पास पड़ी है एयर BFT की, उसने मंगवाई हुई है। ये दोनों मोटर हैं इसकी, ये भी और ये भी। इसे कवर किधर है? कौन से कवर? यहाँ पे ना कवर आते हैं इधर से इधर, इधर से यहाँ तक। यार मैंने तो कभी नहीं देखे मुझे होंगे शायद। होते हैं ऐसे कवर, लाजम होते हैं। मैं चेक करता हूँ ना एक बार, चेक करके से मॉड्यूल कब चेक कर लेता हूँ, देखते हैं अभी आगे से खोल लें भाई एक बार। हेलो भाई जी, ये देख रहे हैं ये पेज की जगह ख़त्म करके, ये रिपटें लगी हुई थी यहाँ पे, ये ख़त्म करके पेज लगा दी हैं ताकि फिक्स रहेगी। ये देखें पूरा ही इस साइड पे भी ये लगा रहे हैं। ले भाई ये हो गया तैयार, बम्पर करना शुरू कर दिया हमने, फिटिंग कर दी इसको। जहाँ जहाँ ख़राब था वो, ये भी है, ये भी है, ये लिप नया इसमें इंस्टॉल किया है भाई ये गाड़ी में, तो इसको सेम मैचिंग कर रहे हैं। नीचे ब्रैकेट बनने हैं इसके, वो ब्रैकेट ही बनाएंगे अभी। काफ़ी चीज़ें जैसे वो मिसिंग भी हैं उसके हिसाब से, फिर उसको शिल्डें बना के लगानी पड़ेंगी, उसके चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसका सिलेंसर खोलना वो देखने लगे हैं। ये भाई इसका सिलेंसर खोलना स्टार्ट किया है, ये उठा दी गाड़ी सारी। इतनी ड्रॉप गाड़ी को उठाना भी मायने रखता है ना। ये देखिए उठा दी टेढ़ी, चेक करके ऐसे टेढ़ी कर दी गाड़ी। तो अभी खोलने लगे हैं, देखने लगे हैं साथ नीचे। भाई गता लेके आना, चलो चेक करिए पहले। ये भाई लगा रहा है, वो उधर बम्पर रिपेयरिंग कर रहा है, लगा हुआ है बम्पर पेंट करेंगे, जो ग्राउंड शाउंड बना रहे हैं इसको। अब चेक करने लगा नीचे क्या हुआ है, नीचे जाकर पहले देखेंगे उसके बाद पता चलेगा कौन सी साइड खोलनी है। भाई दिखा दे रहा, नहीं नहीं खोलना नहीं है देख। ये भाई किसी ने ना इसको रिपेयर करने की कोशिश की, रिपेयर नहीं किया इन्होंने ना, स्विच नया एक्स्ट्रा लगाया, ओरिजिनल स्विच यहाँ पर आता है, तो ये साइज़ का स्विच अवेलेबल नहीं होगा, ये साइज़ का स्विच इनको मिल नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नया होल किया है और इसमें बोर्ड लगा के इसको वेल्डिंग करके इनको दे दी है कि गाड़ी चलाएं। तो इतनी की वाइब्रेशन इसमें रहेगी ये टूटता जाएगा, देख रहे हैं पूरा क्रैक आ गया है इसमें। यही प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर कि इसको कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ये पाइप वगैरह इसको वेल्डिंग करवाएं ना, ये स्पेशली स्विच जो ऑक्सीजन स्विच लगाते हैं इसको ना इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ये होता है टूटता थोड़ा मुश्किल है, इसको गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग जहाँ जहाँ तक हीट होगी वहाँ वहाँ से ये क्रैक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं भाइयों कहता भी होता हूँ, मैं कहता हूँ यार किसी अच्छे सेंसर वाले के पास जाएँ जिसको पता हो या आर्गन वेल्डिंग हो या उसके पास इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो, वो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। मैंने अभी चेक किया, ये बंद किया था, मेरे जहन में था कि शायद ये स्विच जो लगाया है कि वो टूटा क्यों है, हालांकि पाइप टूटने की रीज़न होनी चाहिए ना, ही यहाँ पे वाइब्रेशन है ना ही कुछ है, क्यों हो गया समय से बाहर है। भाई ये देखें ये फुल ड्रॉप करके मेरे भाई की गाड़ी चेक करें, नीचे लाइटिंग चेक करें, आगे करना चाहिए इधर चेक करें आला, और नीचे सिर्फ एक उंगली है, ये देख रहे हैं एक उंगली से जा सकती है। माशाल्लाह भाई ने बनाई तो बड़ी शौक से है, हमने इसको आगे से खोल खोल दिया है, सब कुछ खुला पड़ा है, बस वे नीचे रख के चेक कर रहे थे, हमने कहा चल देखते हैं। हमने जैक लगाने के लिए उठाई थी, देखिए इसको ऊपर चढ़ा आगे नीचे जगह जैक भी नीचे लग सकता है इसकी, इतनी जगह मेरे भाई ने रखी हुई है और ख़ुद वो फिर रहे। ये फ़ैन आए हुए हैं मिलने, हमारी वर्षा में रश रहता है,
कमर्स करता रहता किसी ना किसी को। हाँ माशाल्लाह तो आपने दिखाया नहीं अभी तक। नहीं बम्पर दिखा रहा हूँ मैं, बम्पर दिखा रहा हूँ कि बम्पर भाई तैयार हो रहा है। इसके ऊपर कितने और पेंट होने ये बताओ। इसके ऊपर आएंगे भाई अभी तीन पेंट और होंगे। तीन पेंट और नहीं दो, हाँ तीन रह गए, लेकर लगेगा ये तो अभी भी फ्रेश लग रही है नूर भाई। भाई ऐसे फ्रेश लग रही है, इससे ज़्यादा शाइन होगी भाई। कंपाउंड करना शुरू कर दी इसने, ये पहला पीस है, चेक कर रहा है अभी तो, देखते हैं। बादशाह भाई जान जी भाई क्या हाल है, ठीक है जी, चेक करें। ये पहला पीस तैयार कर रहा है और मैल जो उतर रही है वो भी दिखाते हैं भाई। हमारा कहता था कि जी इसको कुछ भी नहीं है, कोई गंदा नहीं भाई। क्या फॉर्म चेक करा ज़रा, फॉर्म चेक करा उल्टी साइड को, ये चेक करें, ये लाल फॉर्म है और ये मैल चेक कर भाई। तो और घुमाओ इस तरह घुमाना है, ये देखें ये मैल उतर रही है। तो मुझे कहता यार कि उसकी ज़रूरत नहीं है कंपाउंड की, इसलिए ये देखें इससे पीछे और इधर आगे शेड में ही फ़र्क होगा। इधर चेक करें क्या शेड है और यहाँ देखिए क्या है। और उसके जहन में यही है भाई हमारे कि जी मेरी गाड़ी बहुत हाल है। उसने भाई गाड़ी हमने तैयार कर दी, पॉलिश करके साफ सुथरी करके खड़ी कर दी है और अब ये गाड़ी से देने लगे हैं वॉश पे, सॉरी वॉश कह रहा हूँ, ऑयल चेंज के लिए। उसका ऑयल चेंज होगा और भाई हमारा आ रहा है, भाई हमारा आ रहा है, जैसे ही आता है फिर मैं बताऊँगा, उससे पूछूंगा कि भाई हमारा काम कैसा लगा आपको बताएं। फिर उस भाई के कमर्स देखने वाले होंगे। हाँ ये तेरी रौनक बताती है तुझे, दो दिन की आपकी मेहनत नज़र आ रही है साफ साफ। मैं बता रहा हूँ ये देखें, ये ईंटे रख के हमने ऊपर चढ़ाई है गाड़ी, ऐसे नहीं चढ़ती थी, ऐसे नहीं चढ़ेगी। नीचे सलेंसर है, बफल बड़ी लगी है ना, देखा आप, एक एक निशान भी होना तो दिल पे आता है। कस्टम क्या भी नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब मेरे कपड़ों से साफ करना पड़ेगा कपड़ों से। भाई हमारे बारे में कमेंट्स क्या करेगा नूर भाई, कमेंट्स अभी लोग आएंगे बहुत सारे, वो करेंगे आप सफर तो करो, व्लॉग तो अपलोड करो इंशाल्लाह। नहीं भाई जी ये हमारा तरह से गाड़ी क्लियर हो गई है, बस ऑयल चेंज हो रहा है, उसके बाद भाई को दे दे रहे हैं, क्लियर कर दी है बम्पर लाइट प्रॉपर सो करके दे दी है, ऑयल चेंज हो रहा है। और ये रहे हम, हमारा काम कैसा लगा सही का जरूर दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे भाई का हाल देखें, ये मेरे भाई का हाल देखें, हमें कोई नज़र आता नहीं है, दो दिन की मेहनत है। आप लोगों ने सही वाला प्यार शो करना, जितने भी लोग आए हो ना सबने प्यारा सा प्यार शो करना, ठीक है। काट दो सब्सक्राइब बटन, आज 5,000 इनके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो कोई माफ़ी नहीं है।